ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 होगा और हमारा जो टारगेट है यूपीपीसीएस 2024 टारगेट है। ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ये जो यूपीपीसीएस का 3 का ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो इस टाइप में दो टाइप के इसमें दो टाइप के सिलेबस हैं, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है इसके अंदर आपको थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन दोनों का सिलेबस फिर मेंस के अंदर भी आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए, और लास्ट डेट उसकी 29 जनवरी है। तो अब इसके एग्जाम डेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम डेट जो है वो 17 मार्च को है, 17 मार्च 2000 प्री की डेट, 17 मार्च 2024। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी तरह से अर्थ पर बेस होगा, तो अर्थ के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, मैं एक और बात बता देता हूँ कि आयोग कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है या आ नहीं रहा है, तो आयोग कभी भी पूछ सकता है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे टॉपिक्स पर सिलेबस है, तो आपको ये सारे सिलेबस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अर्थ के बारे में। देखिए, अर्थ जो है वीनस और मार्स के बीच में लोकेट करती है। सबसे पहला अरिस्टोटल थे जिन्होंने ये बताया कि जो अर्थ की शेप है वो कुछ स्फेरिकल टाइप की है। देखो, स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर एक टाइप का गोल होती है, जैसे आपने वॉलीबॉल या फुटबॉल देखी होगी वो कंप्लीटली स्फेरिकल है। तो अरिस्टोटल ने बोला था कि जो अर्थ है, अर्थ का जो साइज है वो स्फीयर की टाइप का है। हालांकि अर्थ पूरी तरह से स्फीयर नहीं, मैं आपको इसकी शेप भी दिखाऊंगा कि अर्थ जो है अर्थ किस शेप की है। तो अर्थ स्फेरिकल जैसी शेप है लेकिन स्फीयर टाइप की शेप नहीं है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। लेकिन इसको आप या तो क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है ओबलेट, एस्फेरॉइड ये हो सकता है, या फिर आपको ये शब्द दिया जाएगा जियोइड। तो जियोइड ज्यादा चांसेस है कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अर्थ की जो शेप है कैसी है, ओबलेट, स्फेरॉइड या फिर जियोइड। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये जियोइड शब्द लिखा हुआ मिले। अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ के जैसा है। मतलब मैं आपको शेप दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ इसका। देखिए ये, हाँ ये वाला डायग्राम, ये जो आप देख रहे हो इधर वाला, ये डायग्राम ये अर्थ का है। तो अर्थ कैसी है, देखिए अर्थ में कहीं पानी भरा हुआ है, जैसे मान लो ये बहुत गहरा गड्ढा है, ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ये तो ये बहुत गड्ढा है, बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा है। और ये जो है ऊंचे ऊंचे अप्रेस पार्ट पार्ट है, ये उठे उड़े कहीं पहाड़ है, कहीं लेन आ गए हैं। तो अर्थ एक टाइप से पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, अर्थ कहीं से उबड़ खाबड़ है। तो इसी को उबड़ खाबड़ का मतलब कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, इसी को जियोइड टाइप की शेप बोला जाता है। तो आपको समझ में आया कि जियोइड टाइप की शेप किस टाइप की होती है। तो ये तो अर्थ जो है अपने, देखिए अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अर्थ के इसी कारण, मतलब जो अर्थ है अपने एक्सिस पर 23.5 झुकी होने के कारण अर्थ पर सीजन होते हैं। जैसे कि आ गया विंटर आ गया, जैसे समर आ गया, तो ये जो सीजन होते हैं ये किस किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं टिल्टेड ऑफ द एक्स। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आयोग यहाँ पर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाता है तो इस पर जरूर नजर डालेगा। और जो अर्थ चारों तरफ घूमती है, जैसा अर्थ का रोटेशन, मैं आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में दिखा देता हूँ। तो ये है अर्थ, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इसमें कुछ 4 डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर इसके बारे में भी बता देता हूँ। सॉरी, ये सन है, सन अपनी जो रे है वो चारों तरफ फैलाता है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और ये जो ये पोर्शन है, ये वाला ये इक्वेटर है, मतलब अर्थ का बीच का पोर्शन, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये आपको पता, मैं आपको इसमें सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा इसको दूसरे में। तो जब ये 21 जून आती है, 21 जून को अर्थ कि मोस्ट ऑफ रेज इस पोर्शन पर ज्यादा पड़ती है, इस पोर्शन पर, समझ गए, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ज्यादा अर्थ की रेज गिरती है। तो होता ये कि यहाँ पर गर्मियां होती हैं,
नदन पोर्शन में, और नदन पोर्शन में ह्यूमन ज्यादा हैबिटेट करता है, रहता है, तो इसकी वजह से उनको ये फील होता है कि भाई गर्मी हो रही है। तो इसी पोर्शन की वजह से, क्योंकि ह्यूमन नदन हेमिस्फेयर में ज्यादा रहते हैं, इसी पोर्शन की वजह से 21 जून को बोला जाता है समर सोल्स्टिस। तो 21 जून जब भी आता है तो नदन हेमिस्फेयर में समर सोल्स्टिस होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में होता है विंटर सोल्स्टिस। ये समझ में आया? लेकिन उसको ऐसा विंटर सोल्स्टिस बोलते नहीं, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें काफी मतलब लोग ही नहीं रहते, इसलिए जिस चीज का फर्क ह्यूमन पे ज्यादा पड़ता है, ह्यूमन अपने हिसाब से चीजों के नाम रख लेता है। तो कोई कह सकता है कि विंटर सोलिस्टाइज होता है इसमें, बिल्कुल होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सोलिस्टाइज होता है 21 जून को, और नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइज होता है। अब नदर्न हेमिस्फीयर में ये नदन जो पोल है, यहाँ पर मतलब इस पोर्शन पर 6 मंथ तक सन कभी मतलब एक तरह छुपे छिपेगा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन सॉरी, ये नदर्न हेमिस्फीयर में कभी, नदर्न हेमिस्फीयर के जो पोल है, जो नॉर्दर्न पोल है, इस पर कभी सन सेट ही नहीं होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर का ये जो पोल है, इस पर कभी सन राइज ही नहीं होगा 6 मंथ तक, ये प्रोसेस चलता है। तो इसी की वजह से, टिल्टेड होने की वजह से अर्थ पर जो है सीजन आते हैं। अब बात करते हैं दूसरी डेट। अब सन आ गया यहाँ पर 21, सॉरी 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को जैसे मैंने कहा ये इक्वेटर होती है, तो अर्थ यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में सन की रेज मिलती है, इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वेटर का इधर भी और इधर भी। तो इसी को बोला जाता है, दिस इज द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब आता है? इक्विनॉक्स दो डेट को आता है, एक तो आता है 23 सितंबर को, और दूसरा आता है 21 मार्च को। तो अभी हम 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, और नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारे पास स्प्रिंग। तीसरी डेट आती है 22 दिसंबर। देखिए कुछ बुकों में 23 कुछ दे रखा है, लेकिन जो आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर 23 दिसंबर ही है। तो सॉरी, 22 दिसंबर ही है, 23 नहीं, 22 दिसंबर ही है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर को सन कहाँ पर होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये जो पोर्शन है ये इक्वेटर, तो सन कहीं यहाँ पर ज्यादा साइन करेगा इस पोर्शन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। तो उस केस में क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी होगी, समझ रहे? तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सोल्स्टिस, और उसी टाइम पर नदन हेमिस्फीयर में बहुत ठंड होगी, सर्दी आएंगी, और उसी टाइम बोलेंगे कि हम नदन हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइज हो गया। तो विंटर सोलिस्टाइज कब आता है, 22 दिसंबर को आता है। यहाँ भी विंटर सोलिस्टाइज था, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया वो नदन पोल में। नदन पोल में कब सन छिप रहा है, या सॉरी कब सन मैक्सिमम रहेगा और कब सन कम से कम टाइम में रहेगा, तो उसी के हिसाब से समर सोलिस्टाइज और विंटर सोलिस्टाइज के नाम दिए गए हैं। सॉरी, अब 21 मार्च की बात करते हैं। देखिए 21 मार्च में क्या होगा, फिर से सन इक्वेटर के आसपास रहेगा। तो जब भी सन इक्वेटर के आसपास रहता है तो इक्वेटर के दोनों साइड में बराबर सन रेज मिलती है, तो उसी को बोला जाता है दैट इज द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स दो डेट को आता है, एक तो 21 मार्च को आता है और एक आता है हमारे पास 23 सितंबर को। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आएगा, जब 21 मार्च होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आएगा और नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आएगी। तो ये 4 डेट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता है कि सन कौन सी डेट को कहां पर है, तो आप भूल जाओ कि आप ज्योग्राफी में कुछ कर पाओगे। अब यहां पर चलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है अपनी एक्सेस पर एक चक्कर पूरा रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और उसको हम 1 डे भी बोलते हैं। और सॉरी, अर्थ अपनी जो टिल्टेड एक्सेस है, देखिए टिल्टेड एक्सेस की वजह से अर्थ पर सीजन होते हैं, और जो अर्थ का जो टिल्टेड एक्सेस है उस पर अर्थ चार अपने घूम रही है, रोटेट कर रही है, इसी की वजह से हमने डे नाइट होते हैं अर्थ पर, समझ गए आप? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखिए अर्थ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको अब देखिए, मैं आपको, ये अर्थ है और ये जो है इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये जो है पोल है, ये पोल हो गए, इसको नदन पोल बोलेंगे और ये सदन पोल हो गए। अब जब अर्थ घूमती है तो अर्थ पर सबसे ज्यादा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो यहाँ पर होता है, इस पोर्शन पर। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, अगर किसी को जब भी हम कोई भी रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं तो मोस्ट प्रोबली हम कोशिश करते हैं कि उसको इक्वेटर के आसपास से छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर अर्थ चीजों को बाहर की ओर बहुत तेज धकेल कर मारती है, और यहाँ पर कम फोर्स लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना,
अर्थ के इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस पोर्शन पर जो अर्थ अपनी ओर खींचती है, मतलब खींचने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पर बहुत कम होता है। आप समझ गए, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगा। अब पोल पर बात करते हैं। पोल, क्योंकि पोल अर्थ के सेंटर की ओर, मतलब अर्थ के सेंटर की ओर ज्यादा टिल्टेड है, मतलब टिल्टेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अर्थ के सेंटर के पास में है। तो इसकी वजह से, पास में होने की वजह से यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बहुत कम होगा पोल पर, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि तो इस पर आई होप जो है वहां पर आकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पता ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट का, तो फिर तो आप रटोगे, याद करोगे, वो रटने बटने से कुछ नहीं होता है। तो अब यहां पर जैसे ये वेट है, वेट का मतलब, देखिए वेट का मतलब ये नहीं होता आपका मास कितना है, वेट का मतलब होता है फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो ये वेट सब कहते हैं कि 4 किलो आलू को दे दो, वेट वेट का मतलब फोर्स होता है, ना कि आपका वजन कितना है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, आप समझ गए। तो ये यहाँ पर गलत पढ़ते हैं इसको, वेट वेट नहीं होता, ये वेट का मतलब होता है फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। जैसे आप लिखा वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मिनिमम, कहाँ पर मिनिमम होता है, इक्वेटर, इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम अप्लाई होता है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अर्थ है, सन के चारों तरफ, देखिए 365 हम बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई अर्थ 365 में सन का चक्कर लगा लेती है, और बोलते हैं कभी 366 लीप ईयर, नॉन 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 लीप ईयर। एग्जैक्टली डेट, एग्जैक्टली जो डेज है, एग्जैक्टली जो टाइम है वो है 365.25 डेज। तो इतना ये एग्जैक्टली है, ये अगर हम इसको तोड़ें, तो कितना जाएगा, 65 डेज होता है और 6 आवर्स 9 मिनट एंड 9.51 सेकेंड्स, एग्जैक्टली इतना टाइम लगता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सन, मैंने आपको वहां पर बताया था कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताया था मैंने, 150 मिलियन किलोमीटर है। तो आप इसको एग्जैक्टली तो नहीं है ये 150 मिलियन किलोमीटर, ये एग्जैक्टली 149 मिलियन किलोमीटर है, इतनी है। तो आप अप्रोक्सीमेट, मतलब हो सकता है कभी कभी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, तो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। कुछ लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनका पीसीएस इसको नहीं निकल पाता है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली जो फैक्चुअल चीज है वो याद नहीं होती है, इसलिए वो उनका कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस के अंदर जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल भी होते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। अगर बात करें सन से अर्थ पर जो लाइट है वो कितने टाइम में आ जाती है, वो आपने पढ़ा होगा 8 मिनट्स, लेकिन उसका 8 मिनट पूरा आंसर नहीं है, 8 मिनट 19 सेकंड आंसर है इसका। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। हालांकि मैं अर्थ के जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स मैंने यहाँ पर जनरली बताए, लेकिन मैं उनको स्पेशली लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपको। अब बात करें जो अर्थ की इक्वेटोरियल, देखिए जब भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, तो आप अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थ की डायमीटर कितनी है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए भाई कौन सी डायमीटर पूछ रहे हो आप, इक्वेटोरियल पूछ रहे हो या फिर पोलर डायमीटर पूछ रहे हो। तो आपको या अर्थ की जो इक्वेटोरियल रेडियस कितनी है या पोलर रेडियस रेडियस कितनी है, तो ये बहुत जरूरी है। तो अर्थ की जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो 12,756 किलोमीटर है, और पोलर डायमीटर, सॉरी ये रेडियस नहीं डायमीटर थी, और जो पोलर डायमीटर है वो 12,714 किलोमीटर है। तो रेडियस कैसे निकलेगी, इनका हाफ कर दो, 200। कुछ लोगों को रेडियस याद करें, डायमीटर क्या याद करें, देखिए जो डायमीटर होती है, डायमीटर डबल ऑफ द रेडियस, अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालने का तरीका ये होता है कि आप डायमीटर को 200 डिवाइड कर दो तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। तो आप एग्जाम में इस टाइप का शायद क्वेश्चन पिछले साल 2000 पिछले साल था या उससे था कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ जिसमें 2 से डिवाइड करना है उसको रेडियस निकालें, तो आप कर सकते हो। अब बात करें, मैं आपको अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये हालांकि मैं इस पर सेपरेट लेक्चर लाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अर्थ 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 की जो लेयर बनी हुई है, ये जो अंदर का होता है ये होता है हमारा कोर। एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है ये कोर है, इसको भी कौन सा, देखो यहां तक कोर है ये, लेकिन कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इनर कोर। तो ये जो पोर्शन है ये इनर कोर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर कोर है, ये वाला ऑरेंज टाइप का शायद येलो या ऑरेंज ऐसा कुछ है ये। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है मेंटल,
अब देखिए, ये जो पोर्शन है ये मेंटल है, ये वो वाला मेंटल नहीं है, दिमाग का मेंटल, ये वो नहीं है, ये लेयर है मेंटल। और दूसरा जो पोर्शन है वो हमारे पास ये क्रस्ट है, ये वाला जो, ठीक है, अलग, हालांकि मैं इसको अलग बताऊंगा क्योंकि ये भी डिवाइडेड है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्रस्ट है, ये वाला एक्चुअली ये वाला क्रस्ट होता है। तो ये जो है लिथोस्फीयर होता है और ये पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसको एस्थेनोस्फीयर बस ये करने की जरूरत नहीं है, आप ये बात रखो कोर मेंटल और क्रस्ट, ये वाली बात याद रखो। तो क्रस्ट जो है लेयर में डिवाइडेड है, ऐसा क्रस्ट में जो लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर उनको प्लेट बोला गया है। तो अभी हम यही बात ये देखेंगे कि जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन से जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलता है वो ऑक्सीजन मिलता है अर्थ की क्रस्ट में। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट, मैं पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ कि अर्थ में सबसे ज्यादा जो केमिकल एलिमेंट्स है वो कौन सा मिलता है। मैं यहाँ पर केवल अर्थ के को अर्थ का जो क्रस्ट है उसी की बात कर रहा हूँ। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद में मिलता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर मिलता है आई। तो मतलब आपके पास क्या हो गया, ये ऑपरेटिंग ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वहां बोलोगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे याद करने का एक थोड़ा तरीका आप देख लो कि आपको याद हो जाए। तो आप ऐसे कर सकते हो ओएस एआई, ऐसे देखो चीजें हो तो कैसे भी सकती है, आप याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, एग्जाम में सही करना है बस। तो आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो भाई आपको तो पता नहीं है कि सबसे ज्यादा अर्थ में क्या है, तो आप फिर तुक्के ही मारोगे, अच्छा ये होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, ये कुछ नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा कुछ बना लो, जैसा अर्थ के सबसे ज्यादा क्या, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, सिक्वेंस ये है, एक तो वही हमारे सिस्टम में ओ एस है, और ओ एस है ए आई का और सी एस का, ठीक है, सी एस का सिविल सर्विसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिविल सर्विसेस। तो मतलब जैसे भी आप करो यार, इसमें कोई कुछ नहीं है, बस ये वाली बात याद रखना है, तुकबंदी चल जाए आपकी, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा कम क्या है, इसमें कुछ करके या अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भैया ऐसा कुछ दे सकता है। चलो ये तो हुआ हमारा, अब जैसे मैंने इसके बारे में बता दिया, और ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था पेरिहेलियन और एपिहेलियन की पोजीशन कब होती है। पेरिहेलियन का मतलब होता है जब सन सन और अर्थ के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होती है, उसी पोजिशन को बोला जाता है पेरिहेलियन। ये कब आता है, हर तीसरी जनवरी को आता है, और सॉरी हर तीसरी जनवरी, थर्ड जनवरी को आता है, और देखिए कुछ बुकों में फोर्थ जनवरी लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली 3 जनवरी है, सब ज्यादा क्वेश्चन में भी 3 जनवरी दिया गया था। एपिहेलियन की पोजीशन कब आती है, देखिए हाँ डिस्टेंस और मास देख लेते हैं इनके बीच में, 91.5 मिलियन माइल्स है, ये माइल्स में दिया हुआ है। और एपिहेलियन की पोजीशन कब आती है, 4 जुलाई को आती है। और देखिए मैं एक और बात बताता हूँ, जो पेरिहेलियन की पोजिशन याद रखना, ये विंटर में आती है, जब इंडिया के नदर्न पोर्शन में विंटर होता है, समझ गए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। और पेरिहेलियन की पोजीशन कब आती है, जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, ठीक है। तो ये दो बात याद रखनी है। जब भी एपिहेलियन की पोजीशन होती है तो सन और मून, सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 94.5 मिलियन माइल, आप समझ गए। ये पोजीशन कब आती है, डेट पूछी जा सकती है आपसे, बहुत कुछ डेट तो ऐसी है कि रट्टा मान लो। अब थोड़ा सा मून के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन था एक तो मैंने यहाँ पर, देखिए जो मून की, पहले मैं आपको जो स्ट्रक्चर है उसका, मून के बारे में स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। मून का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा कि अर्थ का है, इस अर्थ के अंदर भी कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, इसका भी यही है। तो जो इसकी जो ये है कोर है, कोर भी इसकी मतलब ऐसी बनी हुई है जैसे अर्थ की कोर है, तो इसकी कोर में भी एक टाइप का फ्लूइड है, फ्लूइड टाइप की कोर है इसकी, ठीक है। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन था, मैंने आपको अब अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो अब हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू स्टेट दैट की अर्थ वॉज स्फेरिकल। तो मैंने जैसे कहा था, अरिस्टोटल ने बोला था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल टाइप की है। दूसरा क्वेश्चन है कि द टाइम टेकन बाय द लाइट एमिटेड फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ इज, मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली, बताया था मैंने 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है। तो एग्जैक्टली टाइम ये है, तो आंसर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन द अबंडेंस है ना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं इन द अर्थ की क्रस्ट रीजन। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या पूछा है, क्वेश्चन का आंसर कुछ हो और आप कुछ दे रहे हो। तो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि भाई आप ऐसे याद कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा, ए आई वाला और सी एस वाला। तो ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, एस का मतलब सिलिकॉन, ए का मतलब ये, और ये फोर आयरन। तो
तो सबसे ज्यादा क्या है हमारे उसमें, ऑक्सीजन, ठीक है, आपकी ग्लास में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, अनलाइक द फ्लूइड कोर ऑफ द अर्थ, द कोर ऑफ द मून इज कैसी है, जैसे मैंने बताया कि सॉरी लिक्विड टाइप की कोर है, तो विस्कस लिक्विड, थोड़ी चिपचिपी जैसी है, विस्कस का मतलब थोड़ी चिपचिपाहट सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ये है कि अ वॉल थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ व्हील, अगर हम अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, और उसमें कोई बैठा है, उसमें से अगर कोई वॉल को बाहर फेंक दे तो क्या होगा, इस सैटेलाइट से वॉल को अगर अर्थ पर फेंके तो बाहर की ओर फेंके तो फिर क्या होगा, क्या ये सन पर चली जाएगी, ठीक है, क्या ये सन पर चली जाएगी, सन इधर हुआ तो, क्या ये अर्थ पर गिर जाएगी, क्या ये मून पर चली जाएगी, क्या ये रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज द सैटेलाइट, ये सही बात है, ठीक है, तो डी ऑप्शन, ये जो है सैटेलाइट के साथ साथ घूमना शुरू कर देगी सेम ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेस ऑफ द डे एंड नाइट, अर्थ तो जैसे मैंने बताया था कि जो अर्थ का, देखिए अर्थ है ये, और अर्थ अपनी ये जो है ये इसको एक्सेस बोलते हैं, और अर्थ अपने इस एक्सेस पर घूम रही है, तो अर्थ इस एक्सेस पर घूम रही है, कैसे घूम रही है, देखिए ये पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी की जो सुइयां होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से अर्थ अगर ये घूमना बंद कर दे तो डे नाइट होना बंद हो जाएंगे, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ पर क्या होते हैं, डे और नाइट होते हैं, समझ गया, टिल्टेड ऑफ द एक्स तो सीजन बताती है, मून का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये सुधार करना चाहता हूँ, ये जो ना ये एक्चुअली डिग्री है, यहाँ पर डिग्री, समझ गया, ये जीरो नहीं है, डिग्री है ये। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिग्री लगी हुई है ऊपर, द अर्थ एक्सेस ऑफ द रोटेशन पोलर एक्सेस इज ऑलवेज इनक्लाइंड एट द एंगल, तो हम बताओ इससे 23.5 डिग्री आंसर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, मैं जल्दी से, देखिए ज्योग्राफी के लेक्चर बहुत हो जाएंगे, सभी चीज़ों के लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप मान कर चलो कि ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा लेक्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही कम से कम बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे, और इंडियन ज्योग्राफी तो हमने डेप्थ में कवर करनी है, ठीक है, मैं आपको पिछले साल जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी सारे दिखाऊंगा, मैं धीरे धीरे सारे सॉल्व करा रहा हूँ हर एक लेक्चर में, ऐसा नहीं कि कोई एकदम, मतलब आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं डेट नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।